आखिर यूपी चुनाव में बीजेपी को क्यों बदलनी पड़ी रणनीति? क्या यूपी चुनाव को लेकर मिले फीडबैक से परेशान है बीजेपी? यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। एक ओर जहां तमाम सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं तीन चरणों के मतदान के बाद अपनी अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अब तक हुए चुनाव के बाद मिले फीडबैक के मुताबिक रणनीति तय कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को ऐसा क्या फीडबैक मिला जिसके बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह ने तीसरे चरण के एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को लखनऊ में देर रात अहम बैठक की है। इस बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद खबर आई कि बीजेपी ने अब बाकी बचे चार चरणों में चुनाव प्रचार अभियान और आक्रामक करने की रणनीति बनाई है। इसमें मतदाताओं को रिझाने के लिए ही उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की रणनीति शामिल है। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश में 23-27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाने हैं। इसके लिए माइक्रो लेवल प्लान बनाया गया है। खबरों की माने तो बाकी बचे चरणों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की करीब 1.5 दर्जन रैलियां होनी हैं। इनमें मतदान वाले दिन भी पड़ोस के जिलों में रैलियां होंगी। मसलन 23 फरवरी को लखनऊ में चुनाव है और पीएम मोदी बाराबंकी में रैली करेंगे। सभी चार चरणों में पीएम मोदी पूरा अवध और पूर्वांचल को मथेंगे। खबर है कि आखिरी चरण में पीएम मोदी के वाराणसी में 3 दिन तक डेरा डालने की तैयारी है, जहां से पूर्वांचल के लिए व्यापक चुनाव प्रचार होगा। यही नहीं, सीएम योगी समेत पार्टी के प्रमुख नेताओं की विधानसभा स्तर पर सभाएं होंगी। वहीं बाकी नेता मंडलों के हिसाब से मोहल्ले मोहल्ले प्रचार में जुटेंगे। सबसे ज्यादा जोर घर घर संपर्क पर रहेगा। हर विधानसभा में कम से कम 3 से 4 नेताओं की सभा का कार्यक्रम तैयार किया गया है। 2 राष्ट्रीय स्तर के और 2 प्रदेश स्तर के नेताओं के दौरे भी लगाए जाएंगे। वैसे तो बीजेपी पहले दिन से ही प्रचार अभियान के मामले में विपक्षी दलों से कहीं आगे दिख रही है। चाहे वो चुनाव का ऐलान होने से पहले पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं की प्रदेश भर में जनसभाएं हों, सभी जगह बीजेपी के नेता प्रयास करते दिखाई दिए। अब खबर है कि बाकी के चरणों के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत पार्टी का जोर पूर्वांचल और अवध की सीटों पर ज्यादा से ज्यादा भगवा झंडा फहराने का है। यही नहीं, इस प्लान की निगरानी खुद पार्टी के शीर्ष स्तर से की जाएगी। खबर है कि पार्टी के नेता शुरुआती 2 चरणों से काफी उत्साहित हैं। इंडिया न्यूज़ पैरल की रिपोर्ट।